कुदेव जो पीएससी मा होके बवाल, दिन रात चढ़ना है मजा वो धमाल, काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते घर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? नमस्कार, कैसे हैं आप सब? कंपटीशन कम्युनिटी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। सीजीपीएससी 2023 को ध्यान में रखते हुए जो हमारी टॉप एमसीक्यू की श्रृंखला चल रही है, सीरीज चल रही है, उसमें आज मेरा लेक्चर नंबर 6वां है। तो ध्यान में, आज का जो हमारे पास टॉपिक होगा आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, आज का जो हमारे पास टॉपिक है ध्यान से देखिए, छत्तीसगढ़ में गीत और छत्तीसगढ़ में जनजातीय गीत। ठीक है, तो ध्यान में हमें छत्तीसगढ़ के लोकगीत एवं छत्तीसगढ़ में जितने भी जनजातीय गीत हैं इन पर क्या करेंगे आज अपन बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बेटा अपन क्या करते हैं कि सिंगल क्वेश्चन के बेसिस पे इसको थोड़ा समझने की आज क्या करते हैं कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो पहला अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आज का जो पहला क्वेश्चन है देखिएगा ध्यान से, छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है? ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है, बराबर यहाँ तक? तो देखो पहले इसको समझ लेते हैं कि भाई लोकगीतों का राजा किसे कहा जाता है। तो ध्यान दर हमारे पास एक गीत है, धानदर उस गीत का नाम है ददरिया गीत। गीत का नाम हमारे पास क्या है? ददरिया गीत है, याद रहेगा इसको, ध्यान देना। जो हमारे पास गीत का नाम क्या बेटा? ददरिया गीत है। अब देखो ददरिया गीत अगर देखा जाए पर्टिकुलर इस मीनिंग को ही समझते हैं, इस शब्दावली को ही समझते हैं, तो ध्यान देना ददरिया गीत अपने आप में क्या है? दर्द का गीत। कौन सा गीत है ये हमारे पास? दर्द का गीत है। कौन हमारे पास? ददरिया गीत, बराबर यहां तक। और ध्यान अगर देखा जाए ये अपने आप में प्रेम गीत है। ठीक है, ददरिया के अपने आप में प्रेम गीत है, समझ में आया यहां तक? आगे याद रखना इसमें जो गायन करते हैं, याद रखना बेटा मेल पुरुष कलाकार भी होते हैं साथ ही साथ फीमेल कलाकार भी होते हैं, याद रहेगा। इसकी शैली की अगर बात करोगे तो ध्यान रखना बेटा तुम्हारे पास ये जो शैली है ददरिया गीत की, याद रखना वो प्रश्नोत्तर शैली में होता है। किस शैली में होता है तो क्या बताओगे? प्रश्नोत्तर शैली में ददरिया गीत का गायन होता है, बराबर। मतलब अगर देखा जाए सवाल जवाब की शैली होती है, पुरुष गीत के माध्यम से महिलाओं से प्रश्न करते हैं और महिला क्या करते हैं? गीत के माध्यम से पुरुषों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। फिर महिला क्या करेंगे? प्रश्न पूछेंगे पुरुषों से, फिर उन लोग क्या करेंगे? गीत के माध्यम से उनके प्रश्नों का क्या करते हैं लोग? जवाब देते हैं। इस प्रकार से सवाल जवाब की शैली में ये गीत गाया जाता है। ध्यान, इसमें मेन जो हमारे पास केंद्र रहता है वो क्या रहता है? प्रेम रहता है, श्रृंगार रहता है, याद रहेगा। जो हमारे पास ये जो ददरिया गीत है वो अपने आप में श्रृंगार प्रधान गीत है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा प्रचलित जो गीत है वो ददरिया गीत ही है। ठीक है, इसलिए इनकी विशेषताओं के कारण हम क्या करते हैं इसको छत्तीसगढ़ में लोकगीतों का राजा का दर्जा देते हैं, टाइटल देते हैं, बराबर यहां तक? तो ठीक है भाई, क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को देखो और बनाने का प्रयास करते हैं कि भाई लोकगीतों का राजा किसे कहते हैं? पंथी को कहते हैं क्या? नहीं। चंदनी गायन को कहते हैं क्या? नहीं। भरथरी को कहते हैं क्या? नहीं। तो क्या बचा हमारे पास? ददरिया, याद रहेगा। तो ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि लोकगीतों का राजा किसे कहा जाता है, याद रखिएगा किसे कहा जाता है? क्या बताओगे आप लोग? ददरिया को कहा जाता है, बराबर यहां तक बेटा? ठीक है, याद रखना यह श्रृंगार प्रधान प्रणय गीत है, प्रेम गीत है, सवाल जवाब की शैली में गाया जाता है, याद रहेगा, प्रश्नोत्तर शैली में गाया जाता है। ठीक है, इसे दर्द का गीत भी कहते हैं। ठीक है ना, इसे ददरिया गीत को। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिएगा, छत्तीसगढ़ी पारंपरिक गीत अहो देवी गंगा किससे संबंधित है? ठीक है, यहां तक यहां पे यहां पे पर्टिकुलर शब्दावली लिखा हुआ है अहो देवी गंगा। ठीक है ना, याद रखना एक गीत बता देता हूं बेटा, याद रखना एक गीत हमारे पास है अहो देवी गंगा। ठीक है, लहर देवी गंगा, लहर देवी गंगा। तो हमें जो हमारे पास गीत है ना बेटा, इस गीत में जो माता गंगा है इनका नाम बार बार आता है, बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तक याद रहेगा। अब ध्यान रहा बेटा, ये जो हमारे पास गीत है ये गीत का नाम आपको याद रखना है भोजली गीत है। गीत का नाम हमारे पास क्या है? भोजली गीत है। अब देखो यहां पर मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया है भोजली। ठीक है, तो ध्यान रहा जो हमारे पास भोजली है ना वो गेहूं की फुलवारी होती है। गेहूं की क्या होती है? फुलवारी।
अब देखो जो गेहूं की फुलवारी को अपन अभी भोजली कह रहे हैं, इसी गोहे की जो हमारे पास गेहूं है उसकी फुलवारी को अभी नवरात्रि चल रहा है, अपन क्या बोलते हैं जवाना बोलते हैं। आया समझ में? तो टाइम देखो वस्तु सेम है लेकिन समय के आधार पर उसका नाम चेंज हो गया। यही जो गेहूं की फुलवारी है नवरात्रि के समय जवाना कहलाता है, अभी आप देख रहे होंगे। लेकिन यही जो गेहूं की फुलवारी है अगर इसका उपयोग अगर इसका अपन क्या करते हैं बुआई करते कब अगर देखा जाए किस महीने में, सावन के महीने में। तो ध्यान रहे बेटा सावन में, सावन का जो पूर्णिमा होता है और भादो का जो पहला दिन होता है कृष्ण पक्ष का, इस दिन हम क्या करते हैं बेटा भोजली जो रक्षाबंधन के दूसरे दिन हम लोग क्या करते हैं भोजली जो गेहूं की फुलवारी है उसका क्या करते हैं विसर्जन करते हैं तालाब में। और जब विसर्जन करने जाते हैं तो जितने भी बालिका वर्ग है वो क्या करते हैं ये गीत का गायन करते हैं, अहो देवी गंगा लहर देवी गंगा, समझ में आया ना। और गायन करते हुए वो क्या करते हैं इस गेहूं की फुलवारी जिसको अपन क्या कहते हैं भोजली उसका ये लोग क्या करते हैं विसर्जन करते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, जो हमारे पास अहो देवी गंगा लहर देवी गंगा है ये कहां से मिलेगा आपको, भोजली गीत। भोजली गीत कब गाया जाता है तो याद रखिएगा भोजली जो गीत है सावन पूर्णिमा से लेकर के जो भादो माह का भादो जो कृष्ण पक्ष है उसका पहले दिन, कृष्ण पक्ष के पहले दिन लोग क्या करते हैं भोजली का विसर्जन करते हैं तालाब में और विसर्जन के दौरान गीत गाते हैं। गीत के बोल क्या है अहो देवी गंगा लहर देवी गंगा, गंगा माता हो गंगा, बराबर यहां तक ठीक है इसको याद रखिएगा। तो ध्यान देना बेटा जो हमारे पास इसका उत्तर क्या है, देखो बांस गीत है क्या नहीं, जस गीत है क्या नहीं, विवाह गीत है क्या नहीं, तो क्या होगा भोजली गीत, बराबर यहां तक। तो ध्यान देना जो प्रश्न नंबर दो है छत्तीसगढ़ी पारंपरिक गीत अहो देवी गंगा किससे संबंधित है, तो उत्तर क्या लोगे बेटा ऑप्शन नंबर ए भोजली गीत, ठीक है यहां तक ठीक है। कोई भी समस्या तो प्लीज आप बताइएगा ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाता हूं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीन की ओर ठीक है ना। देखो भाई ध्यान से देखना, अभी मैंने उल्लेख किया था जवारा का ठीक है ना, तो प्रश्न ये है जस गीत या जवारा गीत कब गाया जाता है आप लोग बेटा कमेंट करके बताइए, इसका उत्तर का उम्मीद मैं आपसे करता हूं ठीक है ना। ये भाई जस गीत जवारा गीत कब गाया जाता है अभी क्या चल रहा है, बराबर ना ध्यान देना, बताइए भाई जल्दी बताइए भाई। हाँ ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी बात अपन करते हैं किसका जस गीत का, तो ध्यान रहे जो हमारे पास जस गीत है नवरात्रि के समय, विशेष रूप से नवरात्रि के समय देवी माता ठीक है देवी माता की आराधना के स्वरूप आराधना के लिए हम लोग क्या करते हैं जस गीत गाते हैं, याद रहेगा। तो ध्यान में जो हमारे पास जस गीत है जवारा गीत है उसमें हम लोग क्या करते हैं जो माता शक्ति है उनकी आराधना करते हैं, बराबर यहां तक। और ध्यान देना अगर बात करोगे नवरात्रि का, और नवरात्रि दो बार होता है, सबसे पहले हमारे पास चैत्र नवरात्रि और अगला हमारे पास होता है कुमार नवरात्रि ठीक है, कुमार मतलब अश्विन नवरात्रि ठीक है, यहां तक इतना क्लियर है बेटा। चैत्र में शुक्ल पक्ष एक से लेकर के नौ तक नवरात्रि रहेगा और कुमार महीने में शुक्ल पक्ष एक से लेकर नौ तक क्या रहता है नवरात्रि रहता है, बराबर यहां तक। अर्थात नवरात्रि अगर देखा जाए विशेष रूप से दो बार ऑर्गेनाइज होता है, दो बार मनाया जाता है, और नवरात्रि के समय कौन सा गीत गाया जाता है तो देवी माँ के सम्मान में जवारा गीत गाया जाता है, जस गीत गाया जाता है, याद रहेगा यहां तक। अब जस गीत की बात करोगे जस गीत अपन अपने समूह में गाया जाता है, कुछ कलाकार होते हैं ठीक है जिसमें एक, इसमें ज्यादातर जस गीत में बेटा ढोलक ठीक है ढोलक का उपयोग होता है ठीक है, ढोलक हो गया झांझ हो गया ठीक है यहां तक किंकनी हो गया, इनका उपयोग किया जाता है किसमें जस गीत में। जस गीत में पर्टिकुलर एक जो व्यक्ति है याद रखना ये पुरुष वर्ग भी गाता है महिला वर्ग भी गाती है ठीक है, पहला जो एक व्यक्ति क्या करेगा जस गीत का गायन करेगा बाकी जो ग्रुप के मेंबर फिर उसको क्या करते हैं रिपीट करते हैं ठीक है यहां तक याद रहेगा। और ध्यान रहे जो जस गीत है जस गीत में देवी शक्ति को भी अनुभव किया जाता है, जैसे हम बोलते हैं ना जैसे नवरात्रि चल रही है ठीक है, तो देवता आ गया देवता चढ़ गया इसको इस व्यक्ति को इस महिला को, तो याद रखना वो अपने आप में शक्ति है, क्लियर है यहां तक इसको याद रखिएगा। ये हमारे पास क्या है जस गीत क्वेश्चन नंबर तीन ठीक है बेटा, आई होप ये समझ में आया होगा ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर चार की ओर ठीक है, इसके बाद कहां चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर चार की ओर चलते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं ठीक है ना। देखो भाई इसमें एक तरफ आपको क्या दिया गया है समय दिया गया है और दूसरा दो लिस्ट दिए गए हैं गीत कब गाया जाता है या फिर किससे संबंधित है ठीक है ना। देखो भाई दीपावली के समय कौन सा गीत गाया जाएगा, श्रृंगार गीत कौन सा है, कुमार महीने में कौन सा गीत गाया जाता है ठीक है, और सावन भादो में कौन सा गीत गाया जाता है ठीक है। हमारे पास चार ऑप्शन है, देखो ऑप्शन ए में दिया गया है जवारा गीत कब गाया जाएगा, भोजली गीत कब गाया जाएगा, गौरा गौरी गीत कब गाया जाएगा, ददरिया गीत। देखो भाई जवारा गीत मैंने बोला था नवरात्रि, और नवरात्रि कब होता है बेटा कुमार के महीने में फिर चैत्र के महीने में,
दिख रहेगा कहीं पे कुवार महीना। तो याद रखना एक उत्तर क्या मिलेगा, तीन मिलेगा। तो देखो ऑप्शन में ए कहीं पे तीन है क्या, हाँ बिल्कुल, इसका उत्तर या तो ए होगा या तो क्या होगा डी होगा, बी और सी नहीं होगा। ये अंडरस्टूड हो गया, समझ में, इसी को इसी तरीके से देखना है। क्लियर है बेटा यहां तक, गलत बोला क्या मैंने जी, सॉरी। हाँ एक उत्तर क्या मिलेगा आपको, तीन मिलेगा, ठीक है यहां तक। आगे फिर आते हैं भोजली गीत, भोजली गीत कब गाया जाता है, याद रखना सावन और भादो में। बी का उत्तर क्या मिलेगा, चार मिलेगा। देखो कहीं पे बी का उत्तर चार है क्या, बिल्कुल, मतलब तीन और चार सेटिस्फाई करता है। लेकिन आगे और देखते हैं, ठीक है। गौरा गौरी गीत कब जाता है बेटा, दिवाली, तो सी का उत्तर क्या होगा, एक। देखो सी में एक है क्या, बिल्कुल, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, ए होगा ना कि डी, बराबर याद तक। तो ये भी ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, खत्म हो गया, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या मिलेगा, ददरिया गीत का, अपने आप में क्या है, प्रेम गीत है, श्रृंगार गीत है, अभी बताया था मैंने। उदाहरण में जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है ना, जोड़ी में आता है, पेयर में आता है ना, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है बेटा, एलिमिनेट करते हैं। एक ठो मिल गया, ऑप्शन में जाओ, एलिमिनेट करो कि ये तो नहीं होगा भाई, ठीक है ना, 100% कंफर्म हो जाना है। दूसरा मिल गया, फिर जाना एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेशन के बेसिस पे आपको क्या करना है, इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना है। देखो अभी तो ये बन जा रहा है, कभी कभी क्या होता है बेटा, आपके पास तीन चीजें आपको पता नहीं रहता है, और पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर टॉपिक से, एक पर्टिकुलर ऑप्शन से ना आपके उत्तर बन जाते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार के प्रश्न पे। तो उसको ध्यान जरूर देना है, जब भी इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे आपको क्या करना है बेटा, एलिमिनेशन राउंड पे ही जाना है, बराबर यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कहां पे चलते हैं, 5, ठीक है। छत्तीसगढ़ में मनोरंजन के लिए शादी के समय गाया जाने वाला गीत, ठीक है, छत्तीसगढ़ में मनोरंजन के लिए शादी के समय कौन सा गीत गाया जाता है, बराबर यहां तक देखो भाई। जवारा गीत कब गाया जाता है, बताया था नवरात्रि के समय गाया जाता है, तो ये तो हमारा उत्तर होगा क्या, नहीं होगा। बांस गीत अपने आप में करुण गाथा है, याद रहेगा बेटा, करुण मतलब अपने आप में क्या है, शोक, दुख, दुख की अनुभूति है, तो बेटा शादी के टाइम का है क्या दुख, ठीक है। देवारी गीत, देवार गीत याद रखना बेटा, ये भी नहीं होगा, सॉरी देवारी गीत मतलब किस समय होगा, तो सॉरी वो देवारी गीत लिखा है, दीवार पढ़ रहा था मैं, ठीक है। याद रखना बेटा किसके समय होगा, दीपावली के समय, दिवाली के समय होगा, बराबर यहां तक। अब बताओ शादी के समय कौन सा गीत गाया जाएगा, तो क्या बचा है, भड़ौनी गीत, याद रहेगा। तो ध्यान रखना हमारे पास भड़ौनी गीत है, ये विवाह के समय गाया जाता है, कब गाया जाता है विवाह के समय, तो ध्यान रखना बेटा, जो हमारे पास जो बारात जब आता है, तो जो बरातियों का उपहास करने के लिए, सीधा सीधा बोलो उनकी बेइज्जती करने के लिए, ठीक है ना, टांग खींचने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है, क्या बताओगे, भड़ौनी गीत गाया जाता है, समझ में आया ना। तो ध्यान रखना बेटा, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका उत्तर क्या मिलेगा आपको, डी मिलेगा, ठीक है जी, आ रहा समझ में। तो भड़ौनी गीत, क्लियर है यहां तक, याद रहेगा, भड़काना, सिंपल सी, देखो भाई भड़ौनी मतलब क्या होगा, भड़काना, किनको भड़काएंगे, जो बराती आएंगे वो चिढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे, क्या करके पता होगा आपको, हाँ कि नहीं, ज्यादा नहीं, तो याद रखना है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, 5, समझ में आया जी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, देखो ध्यान से देखो, पढ़ो इसको अच्छे से। छत्तीसगढ़ का, ठीक है, छत्तीसगढ़ का सोहर लोकगीत निम्नलिखित में से किस अवसर पर गाया जाता है, देखो यहां पे सोहर गीत, सोहर गीत, इसका उत्तर आप लोग दीजिए बेटा कमेंट करके, फिर इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूं, ये सोहर गीत कब गाया जाता है, क्यों गाया जाता है, और किनके द्वारा गाया जाता है, बराबर यहां तक। उदाहरण रहा सोहर गीत, अपने आप में देखा जाए एक प्रकार से उत्सव का गीत है, उल्लास का गीत है, उमंग का गीत है, इसलिए गाया जाता है क्योंकि एक परिवार में ना, याद रखना बेटा, किसी नवीन किलकारी आती है, किसी बच्चे का जन्म हुआ रहता है, बराबर यहां तक। ध्यान रहा जो सोहर गीत है, ये जन्म उत्सव के स्वरूप गाया जाता है, जन्म उत्सव के दौरान गाया जाता है, बराबर ना। तो देखते हैं, छेड़छेड़ के दौरान गाया जाता है क्या, नहीं, गौना के समय, विदाई के समय, गौना मतलब होता है विदाई, ठीक है, दूल्हे के आगमन के समय, स्वागत के समय गाया जाता है क्या, नहीं, कब गाया जाता है, तो ध्यान देना बच्चे का जब जन्म होता है, अर्थात जन्म उत्सव के दौरान, याद रहेगा यहां पर क्या बोला मैंने, जन्म उत्सव के दौरान, याद रहेगा क्या गाया जाता है, सोहर गीत गाया जाता है, याद रहेगा। अब किनके द्वारा, जिनके घर में बच्चे का जन्म हुआ है उनके द्वारा गाया जाएगा, या फिर पर्टिकुलर कोई ग्रुप में मेंबर, अपन मेंबर बुलाते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, सोहर गीत, ज्यादातर ये जो सोहर गीत है महिलाओं के द्वारा गाया जाता है, याद रहेगा बेटा, महिलाओं के द्वारा, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं ना उनके द्वारा सोहर गीत गाया जाता है, ठीक है, यहां तक इस बात को आपको याद रखना है, क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अगला अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, ठीक है। बांस गीत, अभी मैंने बोला था, देखो बांस गीत, ठीक है जी, बांस गीत कौन गाता है, इंसान गाता है, सिंपल सा उत्तर है, तो बेटा इंसान में कौन सा इंसान गाता है, अब देखो भाई
बात करेंगे बांस गीत, बंबू गीत, ठीक है यहां तक। बांस गीत देखो, सबसे पहले ना बांस गीत मैंने बेटा याद रखना, एक मीटर, ठीक है, एक मीटर बांस का बना, बांसुरी के समान बांस का बना जो वाद्य यंत्र है इसका उपयोग किया जाता है। एक मीटर रहता है लेंथ, याद रहेगा बेटा, अगर देखा जाए जो बांस से बना जो वाद्य यंत्र है, जिसको जो अपने आप में सुशीर वाद्य यंत्र है, कैसा वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र, जिसको अपन मुंह से फूक के बजाते हैं वो सुशीर वाद्य यंत्र है, उसका उपयोग किया जाता है, याद रहेगा। दूसरा ध्यान देना, जो बांस गीत है वो छत्तीसगढ़ में जो राउत समाज है, जो राउत जाति के लोग हैं, जो अहीर जाति के लोग हैं, वो क्या करते हैं, बांस गीत गाते हैं, बराबर यहां तक। आगे ध्यान देना, जो हमारे पास बांस गीत है ये अपने आप में एक करुण गाथा है, बांस गीत क्या है, अपने आप में करुण गाथा है, बराबर यहां तक, इतना क्लियर है। और ध्यान देना बेटा, जो हमारे पास बांस गीत है इसमें जो महाभारत के दो पात्र है, ठीक है, मोरध्वज, याद रहेगा यहां तक, जो मोरध्वज है उनकी गाथा का यहां पे वर्णन होता है, याद रहेगा। तो ध्यान रहे, जो बांस गीत है बेटा इसका अगर इतिहास देखा जाए तो संबंध महाभारत काल है, जो मोरध्वज है याद रखना उनके गाथा का यहां पे क्या होता है, बखान किया जाता है बांस गीत में। और उसके अलावा अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ राज्य में बांस गीत से जुड़े हुए प्रमुख कलाकार कौन है, तो दो जने को याद रखना, एक का नाम है केदार यादव, केदार यादव बेटा, केदार जाधव नहीं है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है नकुल यादव, दूसरा कौन हमारे पास, नकुल यादव, समझ में आया, ये खैरागढ़ के हैं दोनों, दोनों के दोनों कहां के हैं, खैरागढ़ के हैं, बराबर यहां तक। तो देखो बांस गीत में बांस का बना एक वाद्य यंत्र का उपयोग होता है जो एक मीटर का होता है, राउत जाति के लोग गाते हैं, अहीर जाति कहलाता है, वही करुण गाथा है, अपने आप में शोक है, ठीक है, शोक गीत है। इसका जो बांस गीत है का संबंध महाभारत का जो पात्र है मोरध्वज उनसे है, और कलाकार है केदार यादव और नकुल यादव, ये खैरागढ़ के हैं, बराबर यहां तक। तो देखो प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बांस गीत कौन गाता है, बंजारा लोग गाते हैं क्या, नहीं, बसोड़ लोग गाते हैं क्या, नहीं, बस देवा लोग गाते हैं क्या, नहीं, तो कौन गाते हैं, राउत जाति के लोग गाते हैं। तो ध्यान दे रहे बेटा, जो छठवा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका उत्तर क्या होगा, ए होगा, ठीक है, यहां तक मैंने बताया, क्लियर है। बस देवा का मैं बताया था, बस देवा गायन कौन करता, बस देवा जाति के लोग करते हैं, बस देवा गायन, इसमें श्रवण कुमार की गाथा का उल्लेख किया जाता है, ये मैंने बताया था आपको, क्लियर है बेटा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 7, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अगला पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम कहां पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, क्लियर है यहां तक, ये अपने पास हो गया, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे अगर देखा जाए, बसंत ऋतु में सामान्यतः कौन सा लोकगीत गाया जाता है, देखो बसंत ऋतु, पहले बेटा कमेंट करके ये बताओ बसंत ऋतु आता कब है, ठीक है ना, बसंत ऋतु जैसे आप जानते हो गर्मी का मौसम, ठंडी का मौसम, बारिश का मौसम, हेमंत का मौसम, शिशिर का मौसम, बसंत का मौसम, तो ये भाई जो बसंत का मौसम है कब आता है, जनवरी में आता है, फरवरी में आता है, मार्च में आता है, याद रहेगा, बताओ बेटा पहले जो बसंत का मौसम कब आता है, कमेंट करके बताइए, तब जाके इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना, हाँ हाँ ठीक 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 भाई ठीक, आगे बढ़े। तो ध्यान रखना, हमारे पास बसंत ऋतु में कौन सा लोकगीत गाया जाता है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोला बसंत का मौसम, बसंत का मौसम अगर देखा जाए तो ध्यान रहे बेटा ये शुरू होगा फरवरी के बाद से, ठीक है, याद रहेगा। और देखा जाए जो माघ महीने से शुरू होगा, माघ हो गया, फागुन हो गया, बराबर यहां तक। तो ध्यान रहे बसंत का जो मौसम है, और एक महीना रहता है फागुन का महीना, कौन सा महीना रहता है, फागुन का महीना, याद रखना, हिंदी कैलेंडर के अनुसार, हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन का महीना सबसे अंतिम महीना कहलाता है, बराबर यहां तक। और इसी समय जो ग्रामीण अंचल है, जो छत्तीसगढ़ी अंचल है, वहां पर प्रमुख रूप से बड़े उल्लास के साथ एक गीत गाया जाता है, उस गीत का नाम है फाग गीत। और कल मैंने आपको बोला भी था बेटा फागुन महीने में किस दिन होली पर्व मनाते हैं, याद रहेगा। तो ध्यान रहे हमारे पास फाग गीत है ज्यादातर होली पर्व के अवसर पर, याद रहेगा, होली पर्व के अवसर पर ये गीत गाया जाता है, बराबर। होली पर्व कब मनाते हैं तो क्या बताओगे आप लोग, कमेंट करके बताइएगा, समझ में आया यहां तक, इतना क्लियर है।
तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर कि बसंत ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है, फाग गीत। देखो कहीं पे दिख रहा है क्या, बारहमासी गीत है क्या, नहीं। सोहर गीत है, ये तो बच्चों के समय गाया जाता है। पठौनी गीत है क्या, नहीं। तो उत्तर क्या मिलेगा, फाग गीत। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 8 है उसका उत्तर आपको क्या मिलेगा बेटा, डी। क्या मिलेगा, डी मिलेगा। आया जी समझ में, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 9th की ओर रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th क्या है, देखना ध्यान से। गोपल्ला गीत, गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस राजवंश के इतिहास से संबंधित है। बराबर यहां तक देखो, बात करते हैं गोपल्ला गीत का और गोपल्ला गीत के इतिहास को टटोलने का प्रयास करते हैं। देखो गोपल्ला गीत, ठीक है। पहले बेटा आपको एक प्रश्न का उत्तर बताना है, छत्तीसगढ़ी में फिर पूछ रहा हूं। पल्ला भागना, पल्ला भागना का मतलब क्या होता है, ठीक है यहां तक, या फिर पल्ला, पल्ला भागना का मतलब क्या होता है बेटा, कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। जल्दी से जल्दी, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं भाई, जल्दी बताओ तो पल्ला भागना का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, क्लियर हुआ, ठीक है। देखो भाई, जो गोपल्ला गीत की बात करोगे तो ध्यान देना पड़ेगा हमारे पास गोपल्ला गीत का संबंध ना, ठीक है, संबंध देवार जाति, देवार जाति एवं कलचुरी वंश। कलचुरी वंश में हमारे पास एक राजा था, उस राजा का नाम याद रखना है राजा कल्याण साय। राजा का नाम क्या है, राजा कल्याण साय। और राजा कल्याण साय का जो शासनकाल है ये राजस्व की जमाबंदी प्रणाली, याद रहेगा, राजस्व की जमाबंदी प्रणाली के लिए जाना जाता है। इन्होंने कलचुरी राजघराने में अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए राजस्व पुस्तिका तैयार किया था। और याद रखना, इतिहास में यह भी जानकारी है कि जो हमारे पास कल्याण साय है वो मुगल दरबार में लगभग 8 वर्षों तक निवास किया था। और जब वो 8 वर्षों तक निवास किया था तो उस दौरान उन्होंने जो टोडरमल है, जो अकबर के नवरत्नों में से एक था, उन्होंने क्या किया था, टोडरमल से राजस्व की जो रेवेन्यू सिस्टम है, जो टैक्सेशन है, उसकी बारीकियां सीखा था इन्होंने कल्याण साय ने। वहां से लौटने के पश्चात इन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ अंचल में एक राजस्व पुस्तिका तैयार किया, फिर राजस्व की जमाबंदी प्रणाली को लागू किया। इसलिए पूरे कलचुरी राजवंश में सर्वाधिक जो राजस्व है, रेवेन्यू है, वो इन्हीं के शासनकाल में प्राप्त होता है। और जब ये राजा रहते हैं तो इन लोग, इसने क्या किया था, जो देवार जाति है, देवार जाति को गोड़ राजाओं के, मंडला के गोड़ राजाओं के शोषण से बचाया था। याद रहेगा, मंडला के गोड़ राजाओं के शोषण से क्या किया था, बचाया था। किसने बचाया था, कल्याण साय। तो ये जो भी गाथा है इन सब का उल्लेख इस गीत में प्राप्त होता है। उस गीत का नाम क्या है, गोपल्ला गीत। बराबर यहां तक। तो प्रश्न की ओर आते हैं, उस नंबर 9th को लेते हैं अपन। उस नंबर 9th क्या है, गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस राजवंश के इतिहास से संबंधित है। पांडु वंश है क्या, नहीं। नल वंश है क्या, नहीं। अभी मैंने कौन सा वंश बताया था, कलचुरी वंश, ठीक है। इसलिए 9th का उत्तर को क्या मिलेगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर क्या मिलेगा, सी मिलेगा। याद रहेगा, गोपल्ला गीत में किस कलचुरी राजा का उल्लेख है, तो क्या बताओगे, कल्याण साय। इन्होंने क्या किया था, जो देवार जाति है उनको बचाया था, उनके उनके अस्तित्व को बचाया था, उनके एग्जिस्टेंस को बचाया था। किनसे, गोड़ राजाओं से। बराबर यहां तक, इसको याद रखना। इसके बाद अगर लिखा जाए क्वेश्चन नंबर 9th के बाद, क्वेश्चन नंबर अपन कहां पे आते हैं, 10th पे आते हैं। किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। बराबर याद, एक बार रीड कीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ढंग से अच्छे से रीड कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इस राज्य का मंगरोहन गीत, नाम सुना है जी, मंगरोहन, मंगरोहन गीत किस प्रकार का गीत है। पहले ये बताओ बेटा मंगरोहन क्या होता है, याद रहेगा मंगरोहन क्या होता है। तो देखो भाई, मंगरोहन क्या होता है, सबने विवाह देखा होगा, किया तो नहीं होगा, अलग बात, विवाह सबने देखा होगा, बराबर ना। तो विवाह में आपने देखा होगा मड़वा, मंडप। कुछ समुदाय में मंडप एक होता है, कुछ समुदाय में मंडप दो होता है। बराबर याद तक, ठीक है जी। मंडप होता है, क्लियर है याद तक, इसको याद रखिएगा। ये आपने देखा होगा आम के पत्ते से इसको ज्वाइन कर देते हैं, मंडप देखा होगा, क्लियर है यहां तक। सपोज याद रखना बेटा, ये हमारे पास क्या होगा, कलश हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे इसका पिक्चर तो लाया नहीं, मैं पिक्चर बना ही दिया, ठीक है, हमारे पास मंडप हो गया, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास कलश हो गया, तो देखा होगा आपने ध्यान से,
ये दोनों जो हमारे पास क्या है मड़वे हैं, दोनों जो हमारे पास क्या है बेटा मंडप जो है, याद रहेगा ठीक है, मड़वा जिसको अपन बोलते हैं याद रहेगा ना। यहाँ पे एक प्रकार से अपन क्या करते हैं मंगरोहन स्थापित करते हैं, क्या स्थापित करते हैं मंगरोहन स्थापित करते हैं बराबर। अब जब मंगरोहन स्थापित करते रहते हैं ना तो गीत गाते हैं और उस गीत का नाम क्या है मंगरोहन गीत। मंगरोहन ना बेटा लकड़ी का रहता है, काष्ठ का रहता है, लकड़ी का बना होता है ठीक है ना। और मंगरोहन की स्थापना क्यों करते हैं, मंगरोहन को अपन मड़वा में क्यों स्थापित करते हैं, उदाहरण मंगरोहन को अपन मड़वा में इसलिए स्थापित करते हैं क्योंकि जो भी हमारे पास एक प्रकार से शादी में जो विघ्न आ सकता है, शादी में जो एक प्रकार से जो रुकावट आ सकता है, शादी में जो भी एक प्रकार से समस्या आ सकता है, इन सभी प्रकार की समस्या से बचने के लिए, बाधाओं से बचने के लिए, रुकावट से बचने के लिए हम क्या करते हैं मंगरोहन को मड़वे में स्थापित, मतलब एक प्रकार से बुरी नजर से बचने के लिए याद रहेगा अपन क्या करते हैं मंगरोहन का उपयोग करते हैं। ये आपको याद रखना है भाई, क्लियर है यहां तक तो ध्यान देना मंगरोहन का अगर देखा जाए यूज क्या है, इतना क्लियर है यहां तक समझ में आया। तो ध्यान देना बेटा अगर सीधा सीधा बोला जाए तो विवाह में जो अपशगुन होता है ना जी, अपशगुन विवाह में जो भी अपशगुन होने की जो संभावना रहती है उससे बचने के लिए मंगरोहन का उपयोग करते हैं। जब मंगरोहन की स्थापना करते हैं इस दौरान जब गीत गाते हैं उस गीत को अपन क्या कहते हैं बेटा मंगरोहन गीत कहते हैं याद रहेगा। तो ध्यान रखना इसका संबंध किससे होगा जी, विवाह से होगा ना ठीक है। अब आते हैं प्रश्न की ओर आते हैं, प्रश्न क्या है क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखो और इसको बनाने का प्रयास करते हैं। मंगरोहन किस प्रकार का गीत है, धार्मिक गीत है क्या नहीं, श्रृंगार गीत है क्या नहीं, पर्व गीत है क्या नहीं, संस्कार गीत है क्या, हाँ बिल्कुल है संस्कार के अंदर का बेटा, विवाह भी तो अपने आप में संस्कार है ना। हालांकि आप पढ़ते हो संविधान के मुताबिक विवाह क्या एक अपने आप में एक संस्था है ठीक है ना, लेकिन सामाजिक रूप से देखा जाए विवाह अपने आप में क्या है एक संस्कार है ठीक है। व्यक्ति के जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण संस्कार होता है विवाह संस्कार बराबर, यहां तक क्लियर है। उदाहरण देना जो मंगरोहन गीत है कब गाया जाता है विवाह के समय, 28 का उत्तर क्या होगा ए होगा, 10वां का उत्तर क्या मिलेगा बेटा आपको ए ठीक है। यहां तक आ रहा है समझ में, यहां तक ठीक है, इसको ध्यान देना है क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद, अगला आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 की ओर रुख करते हैं ठीक है ना। देखो बेटा लिखा हुआ है धनकुल गीत कहां गाया जाता है, तो कहां गाया जाता है दो कमेंट करके बता, धनकुल गीत कहां जाता है, कहां गाया जाता है, घर में गाया जाता है कि बाहर गाया जाता है ठीक है। देखते हैं, देखो बेटा समझने के प्रयास करते हैं धनकुल गीत। देखो धनकुल गीत ना अगर अगर देखा जाए एक प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान गीत, धार्मिक अनुष्ठान गीत है ठीक है ना। ध्यान देना धार्मिक अनुष्ठान गीत है अर्थात ये एक प्रकार से पूजा पाठ से संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है पूजा पाठ, भगवान के पूजा अर्चना से संबंधित होता है धनकुल गीत, क्लियर है यहां तक। आगे याद रखिएगा धनकुल गीत अगर देखा जाए प्रमुख रूप से हल्बी भाषा में गाया जाता है, किस भाषा में गाया जाता है हल्बी भाषा में धनकुल गीत गाया जाता है। ध्यान देना हमारे पास धनकुल गीत है इसका जो सर्वाधिक प्रचलन है वो बस्तर क्षेत्र में है, किस क्षेत्र में है बस्तर क्षेत्र में बराबर ना। धनकुल गीत में एक प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग होता है उसका नाम है धनकुल वाद्य, किसका उपयोग होता है धनकुल वाद्य। अब ध्यान देने पर जो हमारे पास धनकुल वाद्य है वो चार प्रकार के इंस्ट्रूमेंट से मिलकर बना होता है। एक यहां पर होता है धनकुल वाद्य में बांस की खपच्ची होती है, दूसरा धनुष होता है, तीसरा घड़ा होता है और चौथा सूपा होता है याद रहेगा। तो ध्यान में जो हमारे पास धनकुल वाद्य है ये बांस की खपच्ची धनुष घड़ा और सूपा का एक प्रकार से मिलको को का चारों को मिलकर बनाया जाता है धनकुल वाद्य यंत्र बराबर यहां तक ठीक है। तो ये चार चीज याद रखना, चूंकि इसमें धनकुल वाद्य का उपयोग होता है हल्बी भाषा में गाया जाता है इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं बेटा धनकुल गीत कहते हैं याद रहेगा। धनकुल गीत अगर देखा जाए याद रहेगा बेटा जो धनकुल गीत है वो चार अलग अलग जगारों में संपन्न होता है, आया समझ में क्या बोला, जो हमारे पास धनकुल गीत है वो चार अलग अलग जगारों में क्या होता है संपन्न होता है ये आपको याद रखना है, आया समझ में क्या बोला मैंने। तो ये हमारा हो गया धनकुल गीत से जुड़ा हुआ जानकारी ठीक है। तो कहां गाया जाता है बेटा बस्तर में, आते हैं प्रश्न में आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखो ध्यान से, धनकुल गीत कहां गाया जाता है, सरायपुर में गाया जाता है क्या नहीं,
बिलासपुर में गाया जाता है क्या? नहीं। सरगुजा में गाया जाता है क्या? नहीं। तो कहाँ गाया जाएगा बेटा? बस्तर में। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका उत्तर क्या मिलेगा आपको? ए मिलेगा। आ रहे बेटा समझ में? प्लीज कमेंट करके बताइए अगर कोई भी डाउट है तो, ठीक है ना। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना, याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया? धनकुल गीत हो गया, ठीक है यहां तक। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर किसमें आते हैं? 12 में आते हैं। देखो ध्यान से देखना, रेला गीत किस जनजाति का प्रमुख गीत है? ठीक है, रेला। आया समझ में आ तक? तो देखो ऑप्शन में भतरा है, मुरिया है, पंडो है, कमार है, ठीक है ना। चलो भाई समझने का प्रयास करते हैं। रेला गीत, जब भी बात करोगे रेला गीत, जब भी बेटा बात आती है जनजाति गीत का, आपके आपको देखो देखो यहां पे सबसे महत्वपूर्ण चीज, चलो इसको छोड़ो अभी, एक ना मस्त चीज बताता हूं समझना। जब बात आती है लोकगीत, लोकगीत की बात आती है, समझ में आया जी? समय कब गाया जाता है, ठीक है। आगे कोई प्रमुख कलाकार है कि उसे जुड़ा हुआ, अगर है तो देखो लोकगीत है तो वाद्य यंत्र क्या है, लोकगीत है तो उसका विषय क्या है, ठीक है। ये चार पर तो जरूर याद है, कब गाया जाता है, कलाकार क्या है, वाद्य यंत्र और विषय क्या है, ये आपको दिखना चाहिए बराबर यहां तक। जब भी जनजाति गीत पढ़ते हो, जब भी क्या पढ़ोगे? जनजाति गीत डील करते हो प्री के लिए, वन डे एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो बेटा सबसे पहला वो किस जनजाति में प्रचलित है, जैसे वहां पर लिखा है रिलो गीत, तो इतना पूछेगा रिलो गीत कौन गाता है, याद रखना बेटा 90% क्वेश्चन ना अगर पूछा है तो जनजाति ही पूछा है, ये किस जनजाति में प्रचलित है, या फिर ना जनजाति के साथ है वो आपको स्थान पूछेगा, ठीक है यहां तक। बहुत कम चांस है वो आपको विषय पूछेगा, ठीक है, लेकिन याद रखना उसको पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई कलाकार तो होगा ही नहीं क्योंकि जनजाति गीत है, तो जनजाति गीत में ना बेटा आपको अलग से कलाकार तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। आपको क्या क्या देखना है? जनजाति, स्थान और विषय, ये चीज तो है, और एकदम माइक्रो परसेंट उम्मीद एक संभावना रहता है वाद्य यंत्र। गीत में ना वाद्य यंत्र नहीं पूछेगा, वो डांस में पूछेगा, याद रहेगा इसको जरूर याद रखना, क्लियर है यहां तक। तो कुछ चीजों के लिए बेटा कॉन्फिडेंस रखना है एग्जाम में, वन डे एग्जाम के लिए, और कॉन्फिडेंस ही आपको एग्जाम निकल के देगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रिलो गीत। कौन सा गीत गा रहे थे? रिलो गीत पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो देखो रिलो गीत अपने आप में एक जनजाति गीत है भाई, और किस जनजाति में प्रचलित है, तो याद रखिएगा जो रिलो गीत है वो छत्तीसगढ़ की मुरिया आदिवासी में, मुरिया जनजाति में प्रचलित है, ठीक है। कब गाया जाता है, तो याद रखना मैंने बोला है विवाह के समय गाया जाता है, किसे समय गाया जाता है? विवाह के अवसर पर गाया जाता है, बराबर। अब देखो भाई बता दिया कब जनजाति, अब बताओ कहां गाया जाएगा, तो बताओगे बेटा बस्तर क्षेत्र में गाया जाएगा ना जी, कहां जाएगा क्या बताओगे, क्योंकि मुरिया कहां रहता है? बस्तर क्षेत्र में, बस्तर ज्यादातर नारायणपुर जिले में, लेकिन बस्तर डिवीजन में रहता है ना भाई, इसको याद रखना है, क्लियर है। रिलो गीत, अब एक चीज बताओ, रिले रेस खेला सबने, चार जने का ग्रुप रहता है रिलो रेस, पता होगा ना आपको भाई। तो ध्यान रख उसी शैली में यह गीत गाया जाता है, क्लियर है यहां तक, मुरिया आदिवासियों के द्वारा बस्तर क्षेत्र में, समझ में आया यहां तक, ठीक है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं कि रिलो गीत किस जनजाति का प्रमुख गीत है। तो देखो बेटा भतरा है क्या? नहीं। मुरिया बिल्कुल है, पंडो है क्या? नहीं। कमार है क्या? नहीं, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन में मुरिया नहीं रहता है, ऑप्शन में माड़िया देगा, ठीक है। तो आपको समझना है, थोड़ा विवेक का उपयोग करना है, ठीक है यहां तक। तो याद रखना जो रिलो गीत है बेटा कौन गाता है, तो क्या बताओगे? मुरिया जनजाति के लोग गाते हैं, बराबर यहां तक, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 के बाद अगला अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, ठीक है ना। देखो भाई बस्तर की जनजातियों में गाया जाने वाला वीर गीत कौन सा है? वीर गीत, वीर अपने रस पढ़ा होगा 10 प्रकार का रस, वीर गीत का स्थाई भाव क्या होता है बेटा? वीर रस का याद रखना उत्साह होता है ना, उत्साह, क्लियर है यहां तक। इनमें वो कौन सा गीत है जिसको गाने से उत्साह आता है, बराबर यहां तक क्लियर है। ध्यान रहे बेटा कौन सा गीत है, वो डंडार गीत है, हुलकी पाटा तो मनोरंजन बताया था, राजा रानी गीत है कि घोटुल पाटा गीत, समझ में आया? देखो आपको एक चीज बताता हूं, एक हमारे पास गीत है, कल बताया भी था,
घोटुल पाटा गीत, ठीक है, घोटुल पाटा गीत समझ में आया यहां तक। जो घोटुल पाटा गीत है ना वो छत्तीसगढ़ की मुरिया जनजाति के लोग गाते हैं। ऑप्शन में मुरिया नहीं है तो बेटा माड़िया याद करना, ऑप्शन में दोनों नहीं है तो तीसरे नंबर पे गोड़ जनजाति को भी याद कर सकते हो, ठीक है। जो हमारे पास घोटुल पाटा गीत, अब देखो मुरिया माड़िया गोड़ है मतलब कहां गाया जाएगा, बस्तर में गाया जाएगा, ठीक है। घोटुल पाटा गीत कब गाया जाता है तो ध्यान देना, मृत्यु के बाद जब किसी पर्सन का डेथ हो जाता है आदिवासियों में, डेथ के बाद मृत्यु के बाद शव यात्रा के दौरान, ठीक है, शव यात्रा के दौरान ये गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है, घोटुल पाटा गीत, ठीक है। आगे याद रहे जो हमारे पास चूंकि गोड़ जनजाति है तो याद रहे जो हमारे पास घोटुल पाटा गीत है बेटा ये गोड़ी भाषा में गाया जाता है। किस भाषा में गाया जाता है, गोड़ी भाषा में, समझ में आया। अब इस गीत का विषय क्या है तो ध्यान देना, जो हमारे पास घोटुल पाटा गीत है इसका विषय नंबर एक याद रखिएगा, इसमें राजा जोलोंगसाय, इसमें जो राजा हमारे पास जोलोंगसाय है की गाथा का वर्णन किया जाता है। उस गाथा में क्या है कि राजा जोलोंगसाय ने किस प्रकार से मुरिया आदिवासियों को के जीवन को बचाया था, किस प्रकार से इनका सुरक्षा किया था, उन सब का बखान इस गीत के माध्यम से करते हैं। लेकिन डेथ के बात करते हैं। दूसरा इस गीत में जीवन से जुड़े जितने भी रहस्य हैं, इन रहस्य को जानने का प्रयास, अगर पूछेगा व्यक्ति का जन्म क्यों हुआ है, व्यक्ति का अगर डेथ हो गया, व्यक्ति का मृत्यु हो गया तो व्यक्ति मरने के बाद कहां जाता है, तो ये जितने भी हमारे पास प्रश्न है उन सब प्रश्न का उत्तर इस गीत में ढूंढने का प्रयास किया जाता है शव यात्रा के दौरान। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एक प्रकार से उत्साह गीत का, वीर गीत का दर्जा देते हैं। इसलिए जो हमारे पास इसका उत्तर क्या होगा, क्या बताओगे बेटा, डी, ऑप्शन नंबर डी। तो 13 का उत्तर क्या मिलेगा आपको, 13 का उत्तर आपको मिलेगा डी, याद रहेगा। वीर गीत कौन सा मिलेगा आपको, घोटुल पाटा गीत, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, लिंगो पाटा गीत कौन गाता है बताइए भाई, कमेंट करके जल्दी बताइए कि लिंगो पाटा गीत कौन गाता है, जल्दी जल्दी बताइए। तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, मैं इसका ऑप्शन बताऊंगा। जो लिंगो पाटा गीत है ना बेटा ये ज्यादातर कवर्धा बेल्ट में गाया जाता है, कवर्धा बेल्ट याद रहेगा। ये उस जनजाति के लोग गाते हैं जिनका परंपरागत व्यवसाय है गायन करना, गाथा गायन करना, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा होगा, और वो जो जनजाति है बेटा वो गोड़ की उपजाति है, हालांकि उसमें गोड़ की उपजाति आपको 3 मिल जाएगा। तो देखते हैं जो लिंगो पाटा गीत है ना, ध्यान रखा, और हमारे पास लिंगो पाटा गीत है, दीवार लोग गाते हैं क्या नहीं, बस देवा लोग गाते हैं क्या नहीं, प्रधान लोग गाते हैं, कौन गाते हैं, प्रधान लोग, बराबर। कहां पर, क्योंकि प्रधान जनजाति ज्यादातर कहां पर रहती है, कमरधा में रहती है, बराबर। याद है जो बेटा प्रधान जनजाति है ना, प्रधान जनजाति का प्रमुख पेशा है गाथा गायन करना, इन लोग गायकी ज्यादा करते हैं, सिंगिंग ज्यादा करते हैं, एक चीज क्लियर हुआ। और ध्यान में जो हमारे पास जो मैडम जो हमारे पास तिजन आबाई जो है, जो छत्तीसगढ़ की प्रमुख पंडवानी गायिका है, जिनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री सम्मान प्राप्त हो चुका है, नागरिक सम्मान प्राप्त हो चुका है, वो स्वयं प्रधान जनजाति की ही थी, आया समझ में आया तक, याद रहेगा, सॉरी है, ठीक है भाई। अगला पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, पढ़िए और बताइए और बताने का प्रयास कीजिए कमेंट करके इसका उत्तर। पहले प्रश्न को पढ़ लो भाई, आपके पास दो लिस्ट दिए गए हैं, एक लिस्ट में गीत का उल्लेख है और दूसरे में उससे संबंधित कुछ विषय का उल्लेख है, बराबर ना। तो देखो पहला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर एक में पंथी गीत, दूसरे में है रैला गीत, तीसरा में है बांस गीत, चौथे में है सुवा गीत। अब देखो सतनामी समाज के द्वारा प्रसिद्ध डांस और गीत कौन सा है, राउत जाति का प्रसिद्ध गीत कौन सा है, प्रमुख गोड़ महिलाओं का गीत कौन सा है, मुरिया आदिवासियों का गीत कौन सा है, ठीक है। यहां तक तो शुरू करते हैं, सतनामी समाज के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है जी, पंथी, इसलिए पहले का उत्तर क्या होगा, ए होगा, कहीं भी दिख रहेगा अगर उत्तर एक तो बिल्कुल, इसका मतलब आपके पास ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, इसका उत्तर क्या होगा, या तो बी होगा या तो सी होगा, समझ में आया कैसे करना है एलिमिनेट। अब देखो राउत जाति के लोग क्या करते हैं, तो अभी मैंने बताया था बांस गीत गाते हैं, तो दूसरे का उत्तर क्या होगा बेटा, सी होगा, तो दूसरा मतलब याद रखना ये सी है, ठीक है, तो दोनों सेम हो गया, अभी भी अपने पास बना नहीं है। तीसरा गोड़ महिलाएं कौन सा गीत गाती है, तो सुवा गीत, तो तीसरे का उत्तर डी दिख रहा है, तीसरे का उत्तर द, देखो तो ये देखो
इसलिए इसका उत्तर क्या मिलेगा आपको, तो क्या बताओ बेटा, बी मिलेगा। उसके बाद रैला गीत कौन गाते हैं मुरिया, तो चार का उत्तर क्या मिलेगा, बी। चार का उत्तर बी है क्या, देखो ये है, समझ में। तो ध्यान देना बेटा, 15 का उत्तर क्या मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। इसको आपको एलिमिनेट करके बनाना था, आया समझ में यहां तक, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो ध्यान रख, आज हमने अगर देखा जाए, आज का जो हमारे पास क्लास है उसमें हमने क्या किया, छत्तीसगढ़ में जितने भी महत्वपूर्ण गीत थे, जितने भी हमारे पास महत्वपूर्ण जनजाति गीत है, उसको हमने क्या किया है, उसके एमसीक्यू बनाए हैं जितने भी महत्वपूर्ण थे। तो मैं आपसे यही एक प्रकार से गुजारिश करूंगा, ऐसे ही जितने भी बेटा जो इस टॉपिक से संबंधित जितने भी एमसीक्यू, उसको प्लीज इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, बराबर। यहां तक अगर कुछ भी इस टॉपिक से कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझ, तो प्लीज बेटा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। ठीक है, तो आज विदा लेते हैं, बाकी अपन कल मिलते हैं। कल कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेके मैं आऊंगा, उसके एमसीक्यू मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना। बने रहिए फिर हमारे साथ, थैंक यू सो मच।